रहा है एंड दिस इज गिविंग ट्रबल टू अ लॉट ऑफ पीपल आई कैन से दैट इन द फेस आई कैन से दैट कॉमर्स के लिए स्पेशली टीम को भी बोलना चाहूंगा बच्चों को भी बोलना चाहूंगा अमेजिंग रिस्पॉन्स अमेजिंग प्यार दिया सभी ने मतलब हम लोग को नहीं पता था कि हम लोग आते ही कॉमर्स के वन ऑफ द बिगेस्ट टीम बिगेस्ट एजुकेटर्स या बिगेस्ट लीडर्स बन जाएंगे ऐसी एक्सपेक्टेशन हम लोग को भी नहीं थी सो ऑफ कोर्स द क्रेडिट गोज टू द कॉमर्स टीम क्रेडिट गोज टू द कॉमर्स टीम एंड सेकेंडली इट गोज मतलब ये बहुत अमेजिंग है कि एक प्लेटफॉर्म कॉमर्स लेके आता है 3 से 4 महीने पहले एंड इट्स गोइंग लाइक स्काई रॉकेट अपना सीए का भी स्काई रॉकेट की तरह जा रहा है एंड दिस इज गिविंग ट्रबल टू अ लॉट ऑफ पीपल आई कैन से दैट इन द फेस आई कैन से दैट काफी लोग को बहुत ट्रबल हो रहा है तो यार जितनी भी आपको परेशानी है पढ़ा के जीतो बस मेरा ये कहना है इट्स गुड कॉम्पिटिशन इज गुड देयर शुड बी कॉम्पिटिशन आई एज अ फाउंडर बिलीव कि एटेक के अंदर कॉम्पिटिशन बहुत जरूरी है और जितना कॉम्पिटिशन होगा बच्चों का उतना भला होगा देखो मैंने जीवन में जितना कमाना था कमा लिया अब यहाँ से जो है सरप्लस है तो मेरे को इस चीज से फर्क नहीं पड़ रहा है पर कंपटीशन इस चीज में आप करो कि क्वालिटी ऑफ एजुकेशन क्या जा रही है लेट्स बिल्ड द नेशन ना लेट्स कम्पीट इन द बैचेस लेट्स कम्पीट इन द एकेडमिक्स लेट्स कम्पीट इन द कंटेंट लेट्स नॉट कम्पीट इन कंट्रोवर्सी सो दैट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट टू एवरीवन आउट देयर आई नो इंटेंशंस आर गुड बट हाँ मतलब लेट्स कम्पीट इन द एकेडमिक्स ना दैट इज गुड और मैं ये नहीं कह रहा हूँ कौन जीत रहा कौन हार रहा है बच्चा ही जीतेगा हर बार हर एडटेक के कॉम्पिटिशन में जीत बच्चों की होगी विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट और मुझे पता है जितने भी लोग हैं हम सभी यहाँ बच्चों के लिए काम कर रहे हैं हम सभी आई नो द इंटेंट लेट्स स्ट्रीमलाइन दिस टुवर्ड्स स्टूडेंट्स एंड अगेन कॉन्ग्रेचुलेशंस टू द कॉमर्स टीम सो पहली बार हम लोग ये क्लास 12th का कॉमर्स का बैच ला रहे हैं